सो हे गाइस, आई होप करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अवनीश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो RMS यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म पे होने वाली है। तो जहां तक कि मैं जानता हूं कि बहुत लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरे स्टार्ट से एंड तक देखना और थोड़ा सा भी स्किप ना करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि CET यानी सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जब हम एलिजिबल होना तो होता है तो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं जिससे कि हम एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म ये होता है, और ये जो है कोरोना की वजह से रुका हुआ था, यानी कोरोना की वजह से स्टॉप था और बहुत दिनों से गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं थी इसको CET को ऑर्गेनाइज करने की। बट अब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आ चुकी है, और कब आई है और कब होने वाला है ऑर्गेनाइज मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और पूरा देखिए वीडियो को। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई तो जो डेट है ऑर्गेनाइज की मई, यानी कल जो हो जाएगा अप्रैल हो जाएगा, और अप्रैल के बाद जो अगला महीना आएगा मई, उसमें जो है सेट यानी CET का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होगा। तो मतलब एप्लीकेशन ही फॉर्म अभी भरेंगे, ऑर्गेनाइज बाद में होगा। तो जिसको भी देखना होगा कि कैसे फॉर्म भरना है ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन वीडियो बना दूंगा और आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना होगा, और इतनी मेहनत करता हूँ तो आप एक लाइक करना बनता है। तो आई होप करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।